ओके अभी चीयर्स करना है। चलो Hi guys, what's up? Good morning. And 9th September is my birthday. So yeah, happy birthday to me. Birthday के लिए हम यहीं पर थे और ब्रह्मा है घर के पास. So me and Utsav we both went and we got my favorite red velvet cake वहाँ से रात को and we cut our cake on 8th night and it was nice. It was a good cozy. Only the husband wife couple celebration. I want to show you कि इस बार birthday पे मैंने खुद को क्या gift किया है. My tea cups or you can say my coffee mugs, these two. I think they are very pretty. Both came under 1,000 rupees. They are from Home Center. अगर आपको याद है last birthday में I gifted myself a Michael Kors bag, tote bag. मैंने vlog भी किया था last birthday को. That bag costed me around 24,000. And this time I made sure कि I do not gift myself something so expensive, so not useful. मैंने एम के का बैग, मुझे बहुत शौक था लग्जरी बैग खरीदने का और मुझे आज भी है, ऐसा नहीं मैं नहीं कह रही कि मुझे नहीं है शौक, मैं फ्यूचर में मुझे भी लुई विटों बैग चाहिए, मे बी एक शनेल का बैग चाहिए, बट मैंने रियलाइज़ किया कि बर्थडे स्पेसिफिक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने ये खरीदा था बैग वो अभी भी मेरे बंकर के नीचे है. पूरे साल में मैंने शायद 3 बार, यस ओनली 3 times आई यूज़ द बैग. एंड मैं रोज़ चाय पीती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, एक कॉफ़ी पीती हूँ, सो वाई नॉट एन्जॉय इट इन ब्यूटिफुल मग्स. मेरी जो मग थी वो ऑफिस की पुरानी कोई मग थी एंड नो, सो दैट इज नॉट सेल्फ लव. सेल्फ लव इज समथिंग लाइक दिस. ओके सो एनीवे आई विल टेक यू थ्रू आउट द डे एंड व्हाट आई ड्रेस, माय मेकअप, हाउ आई पैम्पर माय सेल्फ, आई विल बी ऑयलिंग माय हेयर एंड इट वाज वी हैड पाव भाजी फॉर ब्रेकफास्ट एंड आई एम गोइंग टू मेक माय टी एंड एंजॉय इट इन दिस न्यू कप मग ऑफ माइन. दैट्स स्पेशल मी टाइम. इफ यू नो मी यू नो आई एम अ चाय लवर. मतलब ब्रेकफास्ट के बाद चाय इज अ मस्ट. थैंक यू ऑल फॉर योर विशेस गाइज. आई हैव बीन रिसीविंग विशेस थ्रू आउट द वीक ऑन इंस्टाग्राम ऑन यूट्यूब, सो थैंक यू सो मच. नाउ कंटिन्यू वॉचिंग द व्लॉग. सो आई एम गोइंग टू ऑयल माई हेयर टूडे एंड आई एम गोइंग टू ऑयल माई हेयर आफ्टर रियली 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 लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट अ मंथ. आई नो आई एम वेरी सॉरी. सो आई एम गोइंग टू यूज द मामा अर्थ onion hair oil. This is the new one from the onion hair care range. This is for hair fall control specifically. Anyway, मैं तो मामा के products use हमेशा ही करती हूँ. It's like a part of my life. So this onion hair oil consists of onion oil and retinol. It is mineral oil, silicone free, paraben free, hypoallergenic, and it's suitable for all hair types. Actually written here on all the ingredient list. Okay. Ah. वेरी माइल्ड स्मेल. वेरी एसेंशियल कि आप जब भी हेयर ऑयलिंग करेंगे तो आप अपने बालों से सारे टैंगल्स हटा देंगे. मैं जिम रेगुलर जाती हूँ एंड आई वॉश माई हेयर एवरी डे, सो फॉर मी ऑयलिंग इज मतलब आपको करना ही चाहिए सो दैट योर रूट्स एंड योर स्कैल्प एंड योर हेयर डजेंट ड्राई आउट. बट बीच में मैं बहुत बिजी हो गई थी, मैं ट्रिप पर गई थी गोवा दोस्तों के साथ, फिर कुछ मतलब पता नहीं ऑयलिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाई. सो आई थॉट कि बर्थडे है इतना तो हम कर ही सकते हैं. सो इट्स डन. नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑन माय पाम फर्स्ट एंड मसाज इट इनटू माय रूट्स फर्स्ट. स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करेंगे सबसे पहले. ये बिल्कुल नेसेसरी है नहीं है कि अगर बाल में बहुत ज़्यादा ऑयल लगाओगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे. आप कम क्वान्टिटी का भी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. इट हैज़ टू जस्ट रीच द एवरी स्ट्रैंड वेरी नाइसली, दैट इज़ द की. ना मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है और अगर आप उनके कोड अन्वेषा 20 यूज़ करोगे तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स लाइक यू. अदरवाइज इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन नाइका एंड अमेजोन ऑल्सो. आई एम नाउ अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई स्ट्रैंड ऑल्सो अच्छे से. बाय द वे मामा अर्थ इज ऑल्सो प्लास्टिक पॉजिटिव विच मीन्स दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक्स दैन दे यूज, सो विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर द एनवायरमेंट. So I've taken a little bit more and baki I'm going to apply piche bhi. Now I do a technique called inversion which stimulates hair growth. So anyway we are using onion hair oil and onions are known for faster hair growth properties. जब आप हेयर मसाज कर रहे हो, हेयर ऑयलिंग कर रहे हो, जस्ट डू दिस इन्वर्शन टेक्निक. ऐसे कर लो हेयर को. एंड मसाज. इस इन्वर्शन टेक्निक से हमारी ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाती है एंड डेफिनेटली यू सी अ डिफरेंस इन योर हेयर ग्रोथ वेरी सून. आई हैव अप्लाइड माय हेयर ऑयल. द हेयर ऑयल फील्स वेरी लाइट एंड नाइस, डजंट फील हैवी एंड स्टिकी विच आई लाइक. आई डू नॉट लाइक दोस चम्पी हैवी फीलिंग. सो या
decent enough, and the smell is very mild and nice. And by the way, I am vlogging from a new gimbal that Utsav has gifted me for my birthday. So gimbal kya hota hai na, image stabilization ka hota hai. This is gimbal for phone. It's a very cool thing which will help me create amazing content. मैं जैसे ऐसे कैमरा को हिला रही हूँ, ये स्टेबलाइज करता है. वन ऑफ माई बर्थडे गिफ्ट. एंड या आई विल जस्ट शो यू द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट आई रिसीव्ड फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर. जस्ट होल्ड ऑन. सो शी मेड दिस. हर शी हैज ऑल्सो अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड लव फॉर क्राफ्ट. सयाली मेड दिस फॉर मी. लुक एट दिस, अ पर्सनलाइज गिफ्ट बॉक्स और अ कार्ड. So much Sayali, such a wonderful gesture, and so pretty, so creative you are. It's so beautiful. I'm so touched for this. By the way, I'm going to keep my hair oil on for an hour and then I'll be washing it off. I'll be using the Mamaearth ka naya jo onion range ka hair shampoo. Hi guys, so I have taken my head bath and I've worn my dress. It's going to be my outfit. I'll show you. It's from Shein. A little messy here right now kyunki सामान निकालने में एंड यू नो ऑल दैट. तो थोड़ा मेसी हो गया, डोंट माइंड. आई वॉज चेंजिंग माई बेड शीट एंड देन आई वॉज टेकिंग आउट स्टफ फ्रॉम माई वार्डरोब एंड फिर वॉशिंग मशीन पे कपड़े धोने के बाद, सुखाने के बाद उसको यहाँ पर थोड़ा फैला के रखा है, समेटना एंड ऑल दैट जैज. ओके, यू कैन अवॉइड एंड इग्नोर दैट, यू नो हाउस होल्ड जोर्स. सो एनी वे, आई जस्ट शैम्पूड माई हेयर. मैंने कंडीशनर नहीं यूज़ किया है बिकॉज आई जस्ट ऑयल माई हेयर. तो आई थिंक कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है. सो वंस इट ड्राइज इट, I will show you how my hair feels post the oiling. As usual, left with just 5 minutes for my makeup. मैं कितना भी जल्दी कर लूँ, makeup के लिए हमेशा मेरे पास last में 5 मिनट ही होती है. So I've done my skincare, I've applied my sunscreen and all. I'm just using my Benefit primer. Seriously, 5 मिनट है और भागना है. Utsav is already telling me to hurry up. I'm always late. So I did not even apply my lipstick properly, but I'm carrying it. I'm carrying the Huda Beauty cheerleader. I'm going to the restaurant called Dragonfly, and it's in Aero City, Gurgaon. घर से इतना दूर भी नहीं है. It's near about. So I'm carrying my comb and everything. So once the car stops, I'll comb my hair and I'll apply my lipstick properly. Till lunch, it was amazing. Dragonfly is a really nice restaurant. You can definitely go there for your special occasions. Last minute, 5 minutes makeup. It was not bad. And this is how my hair feels. I didn't even get a chance to comb it. And look how soft and nice the hair feels. I just oiled my hair right in front of you, and then I just shampooed it. In spite of not using a conditioner and in spite of not combing my hair, I literally ran. You guys saw how I literally. ड्रेस्ड, क्योंकि जल्दी रिजर्वेशन जहाँ पर थी वो 1:30 बजे की थी एंड वी रीच्ड एट 1:45, बट लकीली वी गॉट अ स्पेस. फील्स रियली सॉफ्ट, स्मूथ एंड नाइस. ओके गाइस, जस्ट एंडिंग द व्लॉग. रिमूव द मेकअप एंड डिड माय स्किन केयर एंड एवरीथिंग. सो या, इट वाज अ गुड डे. सो दीज आर द फ्लावर्स दैट उत्सव गिफ्टेड मी, द लिलीज. ओजीवा सेंट मी अक्रॉस दिस रेड रोजेस. देन सम ऑफ माय फ्रेंड्स केम ओवर. Surprised me, we went for a short coffee time, and this is a gift that I got
crushing it. And if you guys are interested in the Mama Earth onion range, then I'll have the link in the description box. So they have the onion hair oil in the range, they have the onion hair mask in the range, onion shampoo and conditioner. So these are the ones in the onion range, and ye totally onion range mein ye char products available hai. I'll have it in the description box. If you want, you guys can check it out. So I'll end my vlog here. Thank you so much for your wishes. I've received a lot of them throughout the day on my Instagram and also on YouTube. Love you guys so much. Hope you guys have a great day and take care of yourself. Bye bye.